आज अहमदाबाद स्थित सरदारधाम भवन लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे लोकार्पण सह सरदारधाम फेज टू कन्या छात्रालय भूमि पूजन करिबार कार्यक्रम रही। एथिरे 2000 छात्री रहिबा व्यवस्था हेबो। सरदारधाम शिक्षागत तथा सामाजिक परिवर्तन समाज दुर्बल वर्गर उन्नति एवं युवकंकु रोजगार सुजोग प्रदान दिगरे कार्य करि आसुछि। महकुचि पश्चिम ओडिशा नुआखाईर परिसर रे उत्सव मुखर गांठु सहर घरे घरे पिठा पणार आसर। इष्ट देवींक ठारे नवान्न लागि परे सबु परिवार एकाठी करिबे नवान्न भक्षण। घरर सानो माने गुरुजन मानकु मुंडिया मारि आशीर्वाद लोडिबे। परिवार लोकंक सह मिसि नुआखाई पालन पई दूररे रहुतबा लोके घरकु आसछंती। ए कृषि भितिक पर्व पालन पई सबुठी खुशीर माहौल। बेआईन गहम अनलोडिंग नहीं जगतपुर थाना रे मामला। रांची गोयल आग्रो कंपानी 25 टन गहम भुवनेश्वर जगन्नाथ राइस मिल रे पहुंचवा परिवर्ते जगतपुर ध्रुव अट्टा मिल रे बेआईन अनलोडिंग होई। कारबार रे अट्टा मिल मालिक मालगोदाम चंडी एजेंसी और ड्राइवर संपृक्त थिबा संदेह करा जाउछि। सेपटे मिल मालिक कैमेरा आगे किछि कहिबाकु पुलिस मना करथिबा कहिछंती। राउरकेला रेलवे कॉलोनी अंचल रे गुलिकांड। गुलिकांड रे जणे आहत होइछंती। घटना रे जणे पुलिस जणक गिरफ करथिबा बळे तीन अभियुक्त फेरार अछंती। गुलिकांड रे 3 रु 4 राउंड गुली चलाइथिबा पुलिस पक्षरु सूचना रहिछि। पूर्व शत्रुता को केन्द्र करि गुली चलाइथिबा बळे गुलिकांड रे आहत व्यक्ति को हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइछि। बाइगण तोला को नै गुलिकांड बापार गुली माडरे पुअर जीवन जाइछि। ए घटनाटी घटी कटक जिला बारंग ब्लॉक बेंठुआ गाँव। बापा जदुमणि मुंडा निज पुओ शिव मुंडा को एक देशी बंदूक रु गुली करी हत्या करी। बापा पुओं को मधे आज बाइगण तोला को नहीं जुक्ति तर्क होता। बापा उत्क्षिप्त हो पुओ ऊपर को गुली चलाइले फल घटनास्थल ही पुओर मृत्यु हो। राजधानीवासी पाई हिमाचल मैगी। राजधानी भुवनेश्वर खारवेल नगर में खोली जाई माय बाउल ऑफ मैगी फूड ब्लॉगर अनुमिता स्वाई मुख्य अतिथि भाव योगदान कर उद्घाटन कर। निकटने नुआ नुआ मैगी डिश पहुंचाइबा सप्र उद्यम रही सूचना दी। देश में कोविड स्थिति नहीं प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय वरिष्ठ अधिकारी कले आलोचना। देश में केरल समेत विभिन्न राज्य में बढ़ुवा संक्रमण मॉनिटरिंग सह टीकाकरण नहीं प्रधानमंत्री करिछंती समीक्षा। दुश्मन दास मृत्युर सीबीआई तदंत दाबी। जगत सिंहपुर कुजंग युवक दुश्मन दास आत्महत्या घटनारे दुश्मन दास मृत्युर सीबीआई तदंत दाबी कला बीजेपी। आज बीजेपी सांबादिक सम्मेलन करी ए प्रसंगे राज्य सरकारों ऊपर बसी तुरंत दुश्मन मृत्युर मामला तदंत भार सीबीआई को दि जाऊ बोली बीजेपी दाबी कर। चिकित्सा सुविधा नपाई दुश्मन दास आत्महत्या घटना संदेह घर एसपी एससीबी तदंत रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग को तदंत रिपोर्ट देखी एससीबी सात जणिया इंटरनाल टीम। दुश्मन को चिकित्सा अवहेला होन रिपोर्ट में दर्शाई प्रश्न जदि सठिक चिकित्सा दि जाऊला तेल दुश्मन एभली अवस्था कहीं। आधुनिक एलएचबी कोच सहित हीराखंड एक्सप्रेस शुभारंभ। भुवनेश्वर जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस नूतन एलएचबी रेक को सबुज पताका देखाई नुआ दिल्ली रेल भवन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से शुभारंभ कर। केंद्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव एवं केंद्र शिक्षा दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नुआ दिल्ली रेल भवन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से यह हीराखंड एक्सप्रेस नूतन एलएचबी रेल को सबुज पताका देखाई शुभारंभ कर। अवसर है हीराखंड एक्सप्रेस जिस ट्रेन में करीब करीब महीने भर पहले बैठने का एक मौका मिला था और जो उस ट्रेन में जो साथी बैठे थे दूसरे जिते बड़े भाई मैंने कहले जे ट्रेन बहुत सफा अच्छी किंतु कोच रो कंडीशन टा बहुत पुरना से मु बुझिली जे प्रकृति रे कोच टा बहुत पुरना थिला। तो सेठू सही दिने मनरे संकल्प नेली जे जेते शीघ्र
यही ट्रेन को नुआ अति मॉडर्न अत्याधुनिक कोच जेंती दिया जाओ आसिले मात्र संगे संगे आम अफसर माने इमीडिएटली ये व्यवस्था करले। हमारे जो अति प्रिय और पुराने ट्रेन हीराखंड एक्सप्रेस की जो उड़ीसा आंध्र छत्तीसगढ़ के अंदर एक सांस्कृतिक सेतु के रूप में काम कर रहा है, ऐसे हीराखंड एक्सप्रेस की नई रूप से आज चलने की चलेगी, इसी की शुभ अवसर पे मैं तीन राज्यों के नागरिकों को धन्यवाद देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। टोकियो पाराओलंपिक रे स्वर्ण पदक विजेता ओडिया पुओ प्रमोद भगत को संबर्धित करिसिंते राज्य सरकार। प्रमोद भगत को 6 कोटी रो चेक प्रदान करले मुख्यमंत्री। संबर्धित हेबा परे प्रतिक्रिया रखी ओडिसा वासिन को स्वर्ण पदक उत्सर्ग करछि कहिसिंते प्रमोद भगत। मु स्वर्ण जिते बोली ओडिसावासी आशा करथले, केन्द्र और राज्य सरकारंक सहयोग रे आगकु जाई परिछि बोली प्रमोद भगत कहिसिंते। एहा सह खेल प्रति आगकु अधिक गुरुत्व देबाकु सरकारंकु अनुरोध करछि। मो ग्राम स्टेडियम ना तो सरकार को अनुरोध कि से आम ग्राम इंडोर हल स्टेडियम करे मो मो मु जो एरिया आई एरिया रे आउ प्रमोद भगत भी बाहरी पारे। मुझे किसी दिन तले शुणी स्टेडियम सरकार घोषणा करश्चिम ओडिशा रे बहुत त्रुटि रही जा स्टेडियम बहुत अभाव अच्छी बट मोर आशा कि डेफिनेटली आम जो सरकार अच्छा से मैंने बहुत स्पोर्ट्स आगे बढ़ जाती डेफिनेटली करेंगे। आ गोटे मोर थी से मु सरकार को अनुरोध कर से जो स्टेडियम गुड़ाक घोषणा करतीमधर गोटे स्टेडियमटा आम अत्ताबिरा ग्राम डेफिनेटली जहाँ मु स्पोर्ट नहीं करी आम अत्ताबिरा पिला बहुत गुड़ा बहुत टैलेंटेड अच्छा से माने मध्य आगे बाहरी पारे। बढ़िबनी मूर्तिर उच्चता 4 फुट रु अधिक हेबनी मूर्ति उच्चता। मूर्तिर उच्चता न बढ़िबा नै एसआर सिंह को सूचना। मूर्ति उच्चता कटकणा को विरोध करि कटक रे प्रतिवाद करथिले पूजा कमिटी एवं सहरवासी। तबे बीजेपी पक्षरु आसंता सोमवार दिन कटक बंद डाका दिया जायछि। आलोचना कला परे आम यही निष्पत्ति आसीचु जे आम गोटे अति कठिन समय दे गति करूचे आम जहाँ सफल पाई सफलता पाई आज ओडिशा राज्य सारा भारत में गोटे सुनाम अर्जन करदेश विदेश में सुनाम अर्जन करब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेसन आम पदक्षेप को अनेक प्रशंसा करेणु यह परिस्थिति रे आम आउ किछि दिन टिके कष्ट करिबा जहाँ जमी सरकार निर्देशनामा देखते जनसाधारण हित दृष्टि देखते से हित आम समस्ते कि साक्रिफाइस करवा एवं सरकार जो निष्पत्ति आम निराडम्बर सहकार दुर्गा पूजा करवा समस्त पूजा करवा आगामी पूजा जहाँ सब अच्छी तक पूजा करवा पर्वपर्वाणी निराडम्बर भाव पालन करवा भिड़ करवा ना जो सरकार अगस्ट 9 तारीख गाइडलाइन जहाँ थी 4 फुट मूर्ति करी तार भितर आम यही वर्षटी समस्ते टिके पालन करवा। शव दाह करने को मिललानी जगह बाध्य पंचायत ऑफिस सम्मुखें दाह कले शव। एभली अभावनीय घटना जाजपुर दशरथपुर ब्लॉक मंगलपुर पंचायत में घटी। पूर्व शमशान जमीन पंचायत ऑफिस घर निर्माण हो गतकाली मंगलपुर पंचायतर मौजार थिबा शमशान जगह उपरे मंगलपुर पंचायतर अनु जेना पत्नी वैदेही मृत्यु होगा पर शमशान को शव दाह निया सेठारे शव दाह अनुमति दि जा ना फल बाध्य पंचायत ऑफिस सम्मुखें शव दाह करते पर लोके पूर्वर यह बिवाद को नहीं उभय ग्रामवासी और पंचायत कर्तृपक्ष लगता बिवाद एवं हाइकोर्टे पहुंची तुरंत यह बिवादर समाधान करने दावी हो गोटे कल्याण मंडप आ गए कल्याण भवन से आम जहाँफल कि तल जगार से पोड़ापोड़ी करने असुविधा है जहाँ पा बाहर जहाँ ठेकरा फेकरा लगे आम जहाँ पोड़ापोड़ी करके आस गृह से 500 वर्ष कि हजार वर्ष तले आम
ହରିଜନ ସାହିଙ୍କ ମଶାଣୀ, ଆଉ ସେଇ ମଶାଣୀର ସିଏ ଘର କରିଛି। ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏ କାମ ସବୁ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ସେଠି ଯେମିତି ଘର ଉଠିଯାଉ, ଆମ ମଶାଣୀଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମେ। ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ 1000 LMP କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ PSA ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲୋକାର୍ପିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେୟାର ଫଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ସମ୍ପଦ ଓ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗଲା ମହାମାରୀ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ହେଲା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ। ତେଣୁ ସେହି କାରଣରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମେ ଯଦି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟର ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି କରାଗଲା ଛୋଟମୋଟ, ଯାହା ବି ହେଉ ବିଡ଼ମ୍ବର ହେଉ ପଛେ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଜାଗା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଏଠି ବାରିପଦାରେ ପୁରାପୁରି କାମ ସରିଗଲାଣି। ଆଜି ତାର ଆମେ ସେଠି ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲୁ। ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆନ୍ତଃ ଜିଲ୍ଲା ସିନ୍ଧି ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ। ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସୁନା ରୂପା ଜବତ ସହ 5 ଜଣ ସିନ୍ଧି ଚୋର ଓ 4 ଜଣ ରିସିଭରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ। ଲୁଟେରାଙ୍କ ନିକଟରୁ 312 ଗ୍ରାମ ସୁନା, 4 କେଜି ରୂପା ସହ ଲୁଟ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଟୟ ବନ୍ଧୁକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ପାଖରେ ଯେତିକି ଖବର ରହିଛି, ଏଇ କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିଛୁ ସେମାନେ ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକ ଏଇ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନେ କେତେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗସ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜଳେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ। ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 10 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ରାଜପୁର ବସ୍ତିରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପ୍ରାୟ 300 ଗ୍ରାମର ଧଳା ଜହର ଜବତ କରିଛି। ଜବତ ଧଳା ଜହରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ 22 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପାଖାପାଖି 2.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଧଳା ଜହର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବଡ଼ ବଜାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଛକ ନିକଟରେ 33 କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖମ୍ବକୁ ପିଟି ହୋଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଟ୍ରକ୍। ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ମାଲ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପତ୍ର। କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ଦେଶର ଶ୍ରମିକ ସମାଜ ସମେତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ପୀଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଛଟେଇ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି କଳକାରଖାନା ସବୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ତା'ର କିଛି ମାସ ଯାଇନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇକି ଆସିଲା ବା ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ସେହି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିରେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସେହି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟାକୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆମେ ଦାବି ରଖିଲୁ ଯେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି 2 ଡୋଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାଲିଆତି ନେଇ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବନ୍ଦା ହେଲେ ଜଣେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ 3 ଜଣ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜବତ ହେଲା ନକଲି ଟିକାକରଣର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଗୋଟିଏ ହାର୍ଡଡିସ୍କ ସହିତ ନଗଦ 510 ଟଙ୍କା। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ନେଇ ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଲିଆପାଳ ଥାନା ବାଲି ବିଲଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଘର ଭିତରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି।
उभय आत्महत्या करिथिबा संदेह करा जाउछि। मृतक दुई जना हेले लक्ष्मीधरंक पुअ जगन्नाथ ज्योति और रुनु ज्योति। खबर पाई बालियापाड़ा पुलिस घटनास्थल में पहुंच तदंत आरंभ कर। कोरापुट कोटपाड़ कुमराकोट गाँ पोखरी एक गलित शव उद्धार हो। ग्रामवासी पोखरी को जाता बेले मृतदेह देखि पुलिस को जनते कोटपाड़ पुलिस मृतदेह उद्धार कर तदंत चल बेले मृत युवक जड़क कुर्माकोट ग्रामर लक्ष्मण गौड़ जमापड़ से किसी दिन है निखोज थे। छेली चराई जाता बेले वज्राघात नाबालकों दुई छेली मृत्यु हो। मृत नाबालक जनक हेले जूनागढ़ ब्लक अंतर्गत तल्लमना पंचायत साहाजनका ग्रामर देवराज दलई पु सुमंत दलई आसंता काली पश्चिम ओडिशार गणपर्व नुआखाई थे समस्ते प्रस्तुति में लागी पड़ते वर्तमान एभली दैवीपाक अभावनीय घटना ने परिवार लोके भांगी पड़ते। धनुपाली पुलिस द्वारा बाइक चोरी राकेट्र पर्दाफाश पांच जन गिरफ्त करने आठटी गाड़ी जबत कर धनुपाली पुलिस। रेड़ाखोल जुजुमरा चारमाल सोनपुर झारसुगुड़ा बलांगीर बाइक चोरी करी अन्य जिले में बिक्री करते दुर्बृत संबलपुर एरिया करुवा चोरी कर बहुत कंटामाल एरिया गाड़ी डिस्पोजल करुवा गोटे ग्रुप को आप्रिहेंड कर आठटी गाड़ी रिकवरी होती पांच जन अरेस्ट होती समस्त आज फरार कर। लुटपाट बेले धरा पड़े लुटेरा दुईज लुटेरा धरा पड़ता बेले आउ चार लुटेरा चंपट मारी। खोर्धा बालुगां एवं नाभाल फांडी पुलिस लुटेरा गिरफ्त कर तदंत कर। लुटेरा चोरी मोबाइल फोन नगद 5000 टंका सहित चोरी सामग्री और विभिन्न मारणास्त्र जबत हो। नयागढ़ ब्लक इटा माटी ओमफेड शीतलीकरण भंडार में दुग्ध चाषी शोषण अभियोग आने चाषी स्थानीय सरधा महिला दुग्ध समवाय समिति में पखापाखि 60 जन चाषी प्रतिदिन 400 लिटर दुग्ध इटामाटी ओमफेड शीतल भंडार को दे आसुवा बेले दुग्धर फैक्ट अंश को कर्मचारी माने प्लांट को आसला कमाई देखते चाषी दुग्ध में पा मिशा जा प्लांट में बिक्री चाषी मैंने अभोग कर। बारंग रामदासपुर में भारत मसला परिसर में 22वां भारत प्रतिभा सम्मान अनुषित हो। भारत मसला कंपानी प्रतिष्ठाता सुरेन्द्रनाथ पंडा और परिचालना निर्देशक सुशांत कुमार पंडा तत्वावधान में अनुषित यह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव शक्ति शिल्प और लघु उद्यम मंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र बड़म्बा विधायक देवी प्रसाद मिश्र बांकी विधायक देवीरंजन त्रिपाठी बहु विशिष्ट व्यक्ति जोग देते। अवसर में भारत मसलार जय भारत फाउंडेशन तरफ भारत गौरव हॉकी खिलाड़ी अमित रोहितास वीरेन्द्र लाक्रा दिव्य सिक्का और नमिता टोपु को सम्मानित करतीत कंपानी अन्य कर्मचारी संबर्धित करे। आगामी समय उपकूल ओडिशा हॉकी मैच करने को लक्ष्य रखी भारत मसला। ओडिशार सेलून ब्रांड इको बेलजा तृतीय आउटलेट भुवनेश्वर से सामंतरापुठ से आरंभ हो। तृतीय और भारत में कंपानी अष्टम आउटलेट उत्कल स्टील्स एवं पावर लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुभाषिष दास मुख्य अतिथि भाव जोगद यार शुभारंभ कर। आगामी दिन में आउटलेट संख्या 50 में पहुंचाइबा को उद्यम कंपानी पक्षर क। ओडिशा प्रसिद्ध जटणी गणेश पूजा पाई चलित वर्ष सरकारी कोविड गाइडलाइन अनुजाई मंडप में पूजा आरंभ हो। दुई वर्ष हलानी पूजा प्रतिबंधक लगाई जटणी में 250 छोट और बड़ गणेशों मूर्ति पूजा पाई। राजधानी शिवानंद शतवार्षिक बालक विद्यालय परिसर में गणेश पूजा पालित हो। महामारी कोरोनार समस्त नियम को पालन अत्यंत निराडंबर भाव पालन पूजा रे विद्यालय साधारण संपादक स्वामी शिव चितानंद सरस्वती स्वामी जगन्नाथ नंद सरस्वती समस्त शिक्षक एवं छात्र माने उपस्थित थे। पवित्र गणेश पूजा अवसर में भुवनेश्वर आरंभ हो पान आरमा सब पटिया अंचल में। यह सप्र जटणी विधायक तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता
सुरेश कुमार राउतराय मुख्य अतिथि भाव योगदान करते सपे 20 टंकारु आरंभ करी 2100 टंकारे 150 प्रकार पान एठारे उपलब्ध एठिकार किछि पान भुवनेश्वर पई अत्यंत नुआ तेणु यह सब वर्ग लोके पसंद करिवे बोली सपर मालिक कहते दुश्मन दास मृत्यु घटना को नहीं आंदोलन को ओल्लाइले एसयूसीआई एसयूसीआई नेता एवं कर्मी माने एसीबी मेडिकल सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन करने सहित समग्र घटना पर एसीबी मेडिकल व्यवस्था को दायी कर नयगढ़ तालिबान सरकार शपथ भारत अमेरिका समेत 7 राष्ट्र को निमंत्रण करिछि तालिबान केसीजी अफगानिस्तान तालिबान सरकार शपथ नेबा योजना रही 2001 मसीहा सेप्टेम्बर 11 तारीख में अमेरिका उपरे अलकायदा विमान आक्रमण करिथिला 9-11 आक्रमण को आसंता 11 तारीख में 20 वर्ष पूरण होबाक जाउछि तेणु आज दिन में शपथ ग्रहण उत्सव पर तालिबान सरकार योजना करिछि। आज केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल में आउ एक लघुचाप सृष्टि होवार संभावना रही संभाव्य लघुचाप सृष्टि होवार 48 घंटा मध्य आहुरी घनीभूत हो अपात्र रूप नेब आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष सूचना दी यार प्रभाव में राज्य में 13 तारीख जाए अधिकांश स्थान में वर्षा होवार संभावना रही। बर्तमान अर्ग सुपरफास्ट समय सरी विदाय दिंतु नमस्कार।